हमारे घर में खुशी आने वाली है। इतना आप भोली शक्ल बना के देखता है यार ये। आप मुझे अपना भाई मानते हो, बेटा मानते हो, दोस्त मानते हो, जो भी मानते हो। यार रोहित को तो डेंगू हो गया, वैसे आज घर पे अपुन का राज है। अप्रोक्स 1,500-1,500 रुपए डेली के पानी में, 250 रुपए लीटर है। मैंने थोड़ा सा पुश किया, वो नीचे गिर गया। ओए लखनीत, गुड मॉर्निंग मम्मू। गुड मॉर्निंग, कहाँ जा रही हो? खुश रहो, मैं बताऊँ? एंजॉय करना। बताओ तो कहाँ जा रही हो? बताऊंगी। अरे बता दो यार, हमारी मम्मू जाएंगी सिद्धबली बालाजी के दर्शन करने। हाँ, आशीर्वाद लेना, अपने लिए आशीर्वाद लेना और सबके लिए आशीर्वाद लेना, क्योंकि सब हमारी फैमिली है। तो आज मम्मू और पाई दोनों चले यहाँ से सिद्धबली बालाजी के दर्शन करने। पाई भी रेडी हो गए एकदम, सबके लिए कुछ मांग के आना बढ़िया सा, ठीक है? तेरे लिए क्या मांगूंगा था? मेरे लिए एक प्यारा सा बेटा दे। कुछ भी मांगे ना, कहना बेटा, बस अपना आशीर्वाद बना के रखना, आप यही कहना, ठीक है? प्यारा सा बेटा, सिर्फ आशीर्वाद बोलना, ठीक है मम्मो? ठीक है, सिर्फ आशीर्वाद। हाँ, मैं कहूंगा तुझे आशीर्वाद स्वरूप एक बेटा दे प्यारा सा, तो मैं तभी दादा, मैं दादा बन जाऊँ। मम्मी, ये मर्द वाला चश्मा कहाँ से लिया है? ये इसके पास है नहीं। औरतों वाला लिया? चलो ले, यही बात रहे कि जो टोका आ के ये चीज कहाँ से लाई, ये ऐसी ना वैसी ना है, लिया। चश्मा बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं तारीफ कर रहा हूँ। तारीफ ना करना, लिया जाकर। चलो ले, अच्छा नहीं है, खुद भी कह रही है, ले आऊंगा, ले आऊंगा। ये कितनी गलत बात है, क्या लकी की मम्मी मर्दों वाला चश्मा लगा है? ये भी स्टाइल बन जाएगी, क्यों टेंशन ले रही हो आप? स्टाइल बन जाएगी, ठीक है? ऐसा तो ला के रख दे, बाय, आपके लिए ले आऊंगा। आपको बेल्ट चाहिए? ला दिया, जूते ला दिए, ये ला दिए ना, पाई को बेल्ट चाहिए, बेल्ट लाओगे, डियोर की बेल्ट लाएगा। और देखो ये लेके आया, ये चलो, क्या दिलवा रही, चलो ऐसे लाएगा कोई और, लाएगा कोई और, लाएगा भाई। तो तेरे पास भूल रहे ना, तुम्हें याद नहीं ना, लाया है। आशीर्वाद लेके घर से निकलो, आपकी ट्रिप बढ़िया रहे। पाई रास्ते में पाई का मूड ठीक रहे। तुझे फोन करेंगे तो मूड खराब हो गया। बस पाई के फोन से मैं कापूं। रजौरी गार्डन, उसमें बोला आप लखनऊ की मम्मी और बड़ी बड़ी, हाँ वो आपको पैसे देते हैं। आज दोबारा से बारिश का मौसम हो गया है, भगवान की ट्रिप ठीक रखे बस, ठीक है बाय। अच्छा शीरो मार बुला दो उसको। तो आज शैतान मास्टर को अपने पास उठा लाया था, चले अब घर वापस चले। ऑस्कर शीरो के साथ तो खेल लिया आपने बहुत सारा। कितना आप भोली शक्ल बना के देखता है यार ये, इतना प्यार से देखता है। वैसे आज घर पे आप उनका राज है, क्योंकि मम्मी पापा भी गए हुए दर्शन करने और नीतू भी गई हुई है डेंटिस्ट के पास। घर पे अकेला, राजा वाली फीलिंग आ रही है एकदम। आपके साथ भी होता होगा ना, लेकिन राजा वाली फीलिंग मैं पहले बता चुका हूँ, ज़्यादा ज़्यादा शाम तक रहती है। फिर लगता है कि यार घर सुना सुना सो गया, घर वाले हों, क्योंकि घर वालों के बिना तो घर होता ही नहीं है। अभी यार ये तूफान मचा रहा है, चल तेरे को लेके चलता हूँ। दोस्तों मैं अभी सुपरमार्केट जा रहा हूँ, बिकॉज नीतू के लिए मुझे पानी लेकर आना है, और पानी स्प्रिंग वाटर, जो कि आपको याद होगा हम इटली में थे तो हमें एक एयरपोर्ट पर मिले थे, एयरपोर्ट पर एक लेडी मिले थे और उन्होंने हमें बहुत सारे अच्छे सजेशन दिए थे, हमने उनकी ईमेल आईडी भी मेंशन की थी। तो उन्होंने बोला मे बी जो नीतू के बाल पतले हो रहे हैं ना या वीक हो रहे हैं, उसका रीज़न आरओ का पानी या फिर हार्ड पानी हो सकता है हमारे एरिया का। तो उन्होंने बोला कि एक बार आप ट्राई करना कि एक महीने तक स्टिल वाटर पियो, स्टिल स्प्रिंग। तो स्प्रिंग वाटर लेने जा रहे हैं, काफ़ी महंगा पड़ने वाला भाई, मेरे ख्याल से एक दिन का पानी 700-800 का पड़ेगा अगर 5 लीटर पी पाती है तो। बट ठीक है, एक महीना इन्वेस्ट करके देखते हैं, पता भी चलेगा कि क्या इसी वजह से या कुछ और रीज़न है। तो मैं शॉपिंग करके आ गया हूँ नीतू के लिए, इतने सारे पानी के बॉटल्स लेकर आया हूँ। पानी की बॉटल की भी शॉपिंग होती है आज, नोटिस करा है मैंने। तो इसको खोल, अरे यार इतनी टाइट पैक करके दिया है, फाड़ना ही पड़ेगा। तो एक 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 क्रेट में है आई गेस, कितनी है ये, 12 बॉटल। ये है 1 लीटर की एक बॉटल, और इसका MRP है गाइज, इसका MRP है 250, मतलब 250 रुपये लीटर पानी है, और डेली का पीना है अप्रोक्स 5 लीटर पानी, अप्रोक्स 1,500-1,500 रुपये डेली के पानी में। लेकिन ठीक है, बस उसके बाल ठीक हो जाए मैं तो कह रहा हूँ, और ये जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये सक्सेसफुल हो। ओए कोची को छोड़, इधर देख, तेरे लिए कितना बड़ा युद्ध लड़के आया हूँ मैं, तेरी नज़र बोतल पे ही है, सुन आ गया मेरा पानी। 250 रुपये लीटर है ये डेली का, तुझे 1,250 रुपये का पीना पड़ेगा। अच्छा है, क्या टेस्टी होगा इसमें यार, पानी तो पानी होता है। बस ये कि अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तू ये पिए ना तो एटलीस्ट तेरे वो जो उन्होंने बालों वाली चीज बताई थी वो ठीक हो जाए ना। तुम्हें किसने बताया कि ऐसे करने से? अबे जो इटली में वो मिली थी भाई हमें एयरपोर्ट पर, तू भूल भी गई? लेकिन मैं नहीं भूला, जेसिका, तो उन्होंने बोला ये पानी पीने को। आज गाइस डे 1 है, देखते हैं इससे कितने चेंजेस आते हैं। मेरे को हेयर वॉश भी इसी से करना है। नहीं ओए 250 रुपये लीटर है हेयर वॉश, रात में बोले थे वो मंगा लियो तो बिस्लेरी वगैरह, रोड पे आ जाएंगे हम इससे। हाँ इससे, इससे हेयर वॉश करने, यही पानी बेचना पड़ेगा फिर। एक मिनट, इससे हेयर वॉश करने में हम रोड पे कैसे आ जाएंगे भाई? हम रोड पे आ जाएंगे अगर इससे हेयर वॉश करने लग गया, समझ, यही बेचना पड़ेगा हमें रोड पे आके, और खरीदेगा भी नहीं कोई। क्यों? क्योंकि कौन खरीदेगा इसको, पागल को, वो तो हमने एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखा, लेकिन जो भी रिजल्ट होगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे जरूर। गाइस आज मैं आपको इसकी सच्चाई दिखाता हूँ, देखो कितना लड़ती है। हाँ देखा देखा देखा,
एक्सपोज कर खुद को, ये देखो लड़ाई हर कपल में होती है और वो एक वैसी बड़ी लड़ाई नहीं होती, बस स्वीट हेल्दी लड़ाई होती है हमारी। हेल्दी लड़ाई है, हेल्दी लड़ाई और बहुत ही हेल्दी हो जाती है। पीजा नहीं तू 5 बोतल खत्म कर देगी डेली की, तू मिलता है करना पड़ेगा। एक ड्यूटी तो मैंने पुनीत की लगा दी, सुबह तेरे को याकूट पिलाएगा डेली। मैं क्यों पीऊं याकूट? गाइस अगर आपको भी याकूट का टेस्ट गंदा लगता है मेरी तरह तो कमेंट्स में बता दो, मुझे तो बहुत गंदा लगता है। फिर क्या करेगी उन कमेंट्स का, तू उन्हें अवार्ड देगी? मैं बोलूंगी वाओ आप भी मेरी साइड हो क्योंकि मुझे बहुत गंदा लगता है। थापा भाई सुनो, अब नीतू को जब भी पानी देना है, मैं अभी नए पानी के वो लाया हूं बॉटल्स, ठीक है? सिर्फ वही पानी देना, ठीक है? याद रखोगे ना छोटे, याद रहेगा तेरे को भी। ठंडा गर्म? हां वो कैसे लेती है पानी? नॉर्मल तो नॉर्मल, वही बॉटल बाहर निकाल के रख लो, है ना? एक उसके रूम में हमेशा होनी चाहिए, आपका तो ठंडा रहे। हाँ मेरा तो ठंडा है, और अगर कहीं वो जाती है तो उसी बॉटल में से पलटना है, ठीक है? पक्की बात? तो आज मैं घर का भी कुछ सामान लेकर आया हूँ जो मुझे अरेंज कराना है। हाँ था भाई बहुत बढ़िया, इसको ऊपर रख दो। कहाँ रखोगे? इधर रख दो, यहीं से मैं छटनी करा दूंगा। गुड, क्योंकि अपने सामने का सामान रखूंगा तो मेरे को भी याद आएगा सामान कहाँ पर है। होता क्या, मैं लेकर आ जाता हूँ और उसके बाद मैं भूल जाता हूँ या फिर पता चलता है कि वो एक्सपायर हो गया रखा, तो यार अब ये नहीं होना चाहिए। क्या हो गया? गिर गया था अभी। कहाँ से? यहाँ सोफे से। तू शैतानी इतनी करता रहता है, सोफे पे करके आ रहा था ये। आइसक्रीम झपट रहा था मुझसे, मैंने थोड़ा सा पुश किया वो नीचे गिर गया। लगी तो नहीं इसको? लग गया, थोड़ा दिन शांत बैठ गया था। अरे यार पर आइसक्रीम खा के सब दुख दर्द भूल गया अपने, है ना? बट लग तो गई ना बेबी, ये पीतू ख्याल रखा करो अपना। गाइस पता है आप सबके साथ एक बात शेयर करनी, अभी मैं सुपर मार्केट गया, आपने देखा होगा कितने बॉटल्स लेकर आया, तो साथ ही हमने कई बार देखा है ना बहुत सारे प्रोडक्ट है जो ITC बनाता है, तो आज मैं ऐसे आके सर्च कर लेंगे ITC है क्या क्या, किसकी कंपनी है, ये सब एक क्यूरियोसिटी होती है, एक एक्साइटमेंट होती है ना मन में जानने की, तो इसी वजह से मेरे को ये पता लगा कि ITC एक ब्रिटिश कंपनी हुआ करती थी जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था। इसका नाम था इंपीरियल टोबैको कंपनी ITC, और ये जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स होते थे सिगरेट और जो भी होते हैं रॉ तंबाकू वो सब वो प्रोड्यूस करती थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम हो गया इंडियन टोबैको कॉरपोरेशन या कंपनी, सॉरी। हाँ तो ये ITC तभी भी रहा, फिर 1972 या 75 के आसपास इंडियन गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करा, इसमें इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा शेयर था और इसको ITC लिमिटेड कर दिया गया। तो इसका आई गेस 76% ऑफ रेवेन्यू जो बनता है वो टोबैको प्रोडक्ट्स सेल करके होता है, और टोबैको सेल इतने क्यों होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने 2004 में बैन कर दिया कि अब से कुछ भी टोबैको रिलेटेड प्रमोशंस नहीं होंगे, एड्स नहीं चलेंगे। उसके बाद इन लोगों ने टारगेट किया हमारी बॉलीवुड को, बॉलीवुड में मूवीज़ में वेब सीरीज़ में शोज़ में एक्टर को बड़े स्वैग में सिगरेट पिलवाने के लोग पैसे देते हैं, क्योंकि एक स्टडी में पता चला है कि 52% लोग जो अपनी पहली सिगरेट पीते हैं ना वो अपने फेवरेट स्टार को सिगरेट पीते वो देख के करते हैं शुरू। तो हमें पता ही नहीं चलता हमारे साइकोलॉजी के साथ कितना खेला जा रहा है, हमें किस तरह ये लोग धकेल देते हैं इस गंद में, और कितने सारे लोग पता है सफ़र करते हैं, कितनों को तो सिगरेट पीने की वजह से दिक्कत हो जाती है, उनसे ज़्यादा दिक्कत उनको हो जाती है जो उनके आसपास बैठे रहते हैं क्योंकि सिगरेट का धुआं उनके अंदर भी जा रहा है। भाई देखो मुझे आज भी याद है, मैंने अपने बर्थडे पे ना आज से 5 साल पहले, मेरे पापा चेन स्मोकर थे, मैंने उनको बोला था पापा मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए कि आप स्मोकिंग छोड़ दो, और बहुत कम लोग ऐसे हो पाते हैं जो स्मोकिंग छोड़ देते हैं। जैसे अभी मैं केस स्टडी पढ़ रहा था जहाँ से ये सारी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, उसमें बताया गया सिर्फ 2% लोग हैं जो स्मोकिंग क्विट कर पाते हैं, बाकी क्या है स्मोकिंग क्विट करने जाओगे तो फिर अपना कोई प्रोडक्ट पकड़ा देंगे आपको कि ये च्युइंगम है, ये पता नहीं क्या क्या नए नए प्रोडक्ट, ये ड्रॉप डालो इससे आपको क्विट करने में आसानी होगी, मतलब पता नहीं क्या क्या है, इनके मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आप कहीं देखते हो ना ऐसी चीज़ें तो बहकावे मत आना, आप देखते हो मूवी स्टार्स या कोई भी ऐसी चीज़ प्रमोट करते हुए, प्लीज़ आप केयरफुल रहना यार, कोई स्वैग नहीं है इन चीज़ों में ना, आपकी हेल्थ आपके परिवार की हेल्थ आपके जो क्लोज है लोग उनकी हेल्थ सबसे पहले होनी चाहिए। आप मुझे अपना भाई मानते हो, बेटा मानते हो, दोस्त मानते हो, जो भी मानते हो, बस मेरी ये बात आप ना हमेशा अपने अपने दिमाग में रखना, हो सकता है आपको पहले से पता हो लेकिन मुझे पता है हमारे ब्लॉग इतने लोग देखते हैं, ज़रूरी नहीं कि उन सबको पता होगी, तो यहाँ ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि बिना बात बिठा बिठा के ज्ञान दे रहा है, नहीं यार मैं बस शेयर कर रहा हूँ जो मेरे मन में आया, क्योंकि मैं अपने घर वालों से भी शेयर करता हूँ, आप भी मेरे घर वाले हो ना, तो अगर आप स्मोकिंग करते हो क्विट करने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ कर लो, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। हाँ भाई अब यही पानी पिएगी? हाँ। इतना कहाँ थक गई? एक्सरसाइज कर रही थी। एक बात सुन गाइस, अभी मैं रूम में बैठी थी, मतलब मैं पहले तो डाइनिंग टेबल पे बैठी थी, फिर मैं सोचा इतना खाली लग रहा है, सोनी भी नहीं है, मॉम डैड भी नहीं है, इतना घर सूना सूना लग रहा है,
तो आज का राज पार्ट है हमारे ऊपर, तू बाहर जा रही एक्सरसाइज करने। एक्सरसाइज डेली करा कर। मैं 5 मिनट ही करी है यार, उसी में था भी स्किपिंग कर ली है क्योंकि घर में इतना बोर हो रही है। यहाँ पर बेटा घर का ख्याल रखना है हमें। बना दो भाई दूध, बना दो दूध, बना दो यार। अच्छा से बनाओगे या बेकार से बनाओगे? अच्छे से बनाओगे। तू इसमें किसको देख रहे हो, अपनी फोटो देख रहे हो मेरा देख रहे हो? दोनों को देखेंगे ना। ज्यादा दोनों को देखेंगे। ज्यादा कौन अच्छा लगता है तुम्हें, खुद को अच्छा लगता है तुम्हें या मैं अच्छा लगता हूँ? वो तो मैं अच्छा हूँ। हाँ, डिनर बहुत अच्छा बनाते हैं, मेरे लिए बहुत लाइट बनाते हैं और टेस्टी। बाजू भाई बनाते हैं एकदम फीका खाना बनाते हैं एकदम। बाजू भाई ना खाना हमको टेस्टी ना होना चाहिए। देखो सुनो, अगर इन्होंने पानी पीऊंगी। हाँ मैं बता दूँ बाजू भाई का क्या है फंडा। सुनो, अगर नमक ज़्यादा डाल दिया हो सकता है किसी को कम खाना हो, है ना, तो इसलिए नमक कम डालते हैं। नहीं, मिर्च मसाला कम डालते हैं। लेकिन जिसको जितना खाना अपने आप लेकर डाल दो। लेकिन भैया भी बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, बहुत टेस्टी। रुकमा भाई भी आके मसाला बना है। आके मसाला बना रहे हो? बात वाली मसाला बात वाला मसाला बना रही है। बात भैया कंटेंट के लिए यूज कर रही है, वही कहना चाह रहे हैं। मैं भी कह रहे जब मैंने डिनर कर लिया, डिनर के बाद कौन वर्कआउट करता है? मैंने कहा मैं करती हूँ। ऐसा है बादल भाई, तुम्हारा नाम का मसाला बना रहे हैं ना। बाद में सब समझ आता है, कंटेंट के लिए यूज कर रहे हैं इनको। हमारी कंटेंट नहीं है ना यहाँ पर इसलिए। हाँ यार दीदी नहीं है ना अभी यार, इसलिए कोई आपत्ति है क्या तुम्हें? मुझे क्या आपत्ति रह रहा है? तो फिर यार दोस्ती वाली बात करा करो ना यार, क्या लड़ाई झड़ाई की बात करते हो हमेशा। मुझे क्या आपत्ति रह रही है? ये क्या करती है भाई? गोलू के मैंने आज मसाज किया। फिर से कर, अच्छी करी नहीं गई। फिर से कर, फिर से कर। मैंने मसाज किया अच्छे, इसके इसके बाद गोलू के बाद बहुत अच्छे हैं। नीचे गोलू मेरे भी कर दिया था। गोलू कितने है, इतना डर है तुझे इसका? अच्छा नीतू साई को है ना, सबको पता है हमारे घर में। अच्छे नहीं है? अच्छा नहीं है। जब मैं कर रही थी लाओ आपके करूं? शनिवार में नहीं, शनिवार में सबसे अच्छा होता, सबसे अच्छा। तो कहता है भाभी लगा दो, मगर आज के दिन लगाना नहीं चाहिए। कब देखो यार कितना चालू है लड़का। नहीं अभी नहीं, आज ही तो वॉश किया मैंने। अच्छा ठीक। बट ऐसे बोलते सैटरडे को वॉश भी नहीं करना चाहिए। हमारे प्रोफेशन में ऐसा नहीं हो सकता कि जब ऐसा लगे कि करना है तो करना ही पड़ता है, क्या कर सकते। अरे कौन सा ऑयल पता है? सरसों का नेचुरल ऑयल है। नेचुरल ऑयल ना मैं बताती हूँ, मेरी मामी बनाती है गाँव में, बिल्कुल नेचुरल, अपने हाथ से निकालती है। किस चीज का? सरसों का। तो सरसों का तो नेचुरल होते ही यार, आजकल तो कितने वो आ रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, मिलावटी तेल। बट मेरी जो ना मामी है, पता जो आपने ये वाला लगाया ना, ये आप अपने सर में एक हफ्ते लगाओ फिर मुझे बताना। चले काले। अच्छा अभी तो मॉम ने जो ऑयल बनाया मैं वो लगा रही हूँ, उसको 2 महीने हो गए, इससे तो मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिला। ये बोल रहा हूँ सरसों वाला लगाओ। पता नहीं भगवान मेरे लिए, भगवान मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, क्यों? लगन तुम ही बताओ क्यों ले रहे ऐसी परीक्षा? मेरी बात सुनने लग, सारी बातें आंख बंद करके तू ठीक हो जाएगी। मैं नहीं सुन सकती आंख बंद करके, यही तो दिक्कत है तेरी। फिर क्यों आंख बंद करके तो सुन सकता है? आंख बंद करके बातें सारी आंख बंद करके सुन सकते हैं, लेकिन कान बंद करके नहीं सुन सकते। कितना फनी है बेटे, बेटे की जान जोक मार रहा है। आज मैं सबसे पूछूंगी गोलू कैसा लग रहा है, सुन ली नहीं है घर पर? खाली लग रहा, बहुत गंदा लग रहा है। बहादुर भाई आपको कैसा लग रहा है? सिर्फ बोतल दिखाना है यहाँ पे, भाई देखो अब ये पी रही 250 रुपए लीटर का पानी। सॉरी गाइस, शो ऑफ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अबे मैं हूँ अब घर का मालिक, तमीज से पेश आओ मेरे से। ओए ओ भूरा, अरे ये तो गुस्सा दिखा रहा मुझे। बोलू सुन, अरे सुन तो ले, तू लगा देना ला के इसके। हाँ। तो तू कह ही रहा तो नहीं, तो लगवा के देख। मैंने भी तो लगाया इसके अभी, मेरे को भी इतना कुछ पता है। मैं बताऊ जो सरसों का तेल होता है ना, जो प्योर होता है, उसमें तो खुशबू आती है। इसमें से जब मैंने लगा रही थी ना, तो उसमें से पीली सरसों का ये घी की तरह रहता है, पीली सरसों का ये। अच्छा अब तू लगा दे यार, तू जिद मत कर, तू लगा दे ना। चलो मैं लगाता हूँ। अब तू लगवा ले, गांव के लगाएगी अपने का सीधा। यार मैं ना हमारे गांव में भी सरसों ये भी लगा ले, मेरा ना सब चीजों में विश्वास। अरे ये गांव का ही है भाई, हमारे गांव का ही है। अरे गांव का अच्छा होता है आई नो, बट मेरा विश्वास उठ चुका है हर ऑयल से, कोई असर ही नहीं होता है मेरे को। तू कह रहा है भाई हमारे साथ साथ, इसे देख इसे देख। चिपचॉप खत्म हो गई, तो इनकी सबकी लाके लेके आनी पड़ेगी। और डूची आ चुका है हमारा बेटा। डूची के चाचा इसको बहुत मारते हैं। डूची के जो चाचा है ना, इसको बहुत पेलते हैं इसको। गाइस रात के 11 बज गए, मम्मी पापा अभी तक नहीं आए, और अब और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा, अब मैं जा रहा हूँ सोने। The next morning. Good morning, मम्मू। क्या प्लान? इस शर्ट को मैं पहनने वाली ही। क्यों? मैंने जाके देखे वाली में तो ऐसी शर्ट रखी, मैंने कहा ये तो लेडी भी काम कर जाएगी।
हाँ तो पहन लो। नमस्ते। नमस्ते। इतना मोटे बैग खुल रहा है भाई, कैमरा रहता है सुवर्ण, कैमरा गिर जाएगा। कैमरे के लिए छोटा ले ले, इतना बड़ा तो क्यों ले रखा। आप तो कुछ भी कह सकते हो, जब आप इसको लेडीज की वो कह सकती हो ना, आजकल सब पहन कुछ हैं। भी कह सकती हो तो फिर लेडीज क्यों कह रही हो, देखो कोई किसी की आई नहीं, सब चीज सबकी है। ये भी है, आज देखो बाल मेरे नीचे करें जो शाहरुख खान के थे। ये पहनाऊंगी। कौन से? साड़ी पहनी। सुनो शाहरुख खान मूवी, शाहरुख खान देखो अपने बनाती जोड़ी में। एक मैं एक चीज बताती हूँ, मैं लखन की बचपन की, इसने इतना फ्रॉक पहना। मैं अच्छा सुनो, बचपन में कोई मैंने खुद तो पहना नहीं होगा, मुझे पहनना था। मैंने पहनाया। ये को पहनाया है? नहीं, मतलब हाँ पहनाया और इसका मैं ज्यादातर नेल पेंट लगा। भगवान यार, आपको लड़की चाहिए थी? सुन और जब तेरे जब जब दादी खत्म हुई, मतलब मेरी दादी सास खत्म हुई तो उस टाइम भी ऐसा बैठा, बिस्किट खा रहा, इसके ना पूरे में नेल पेंट लग रहा है, शर्ट पहन के बैठा। चल ये भी ठीक है, वरना तो ये फ्रॉक पहन के बहुत रहा है। माँ बाप की जो ख्वाहिश रह जाती है ना कि बेटी होना बेटा होना, वो दूसरे पे निकलती है फिर। गाइस आप देख सकते हो कितनी नई नई रिंग लेकर आया सैंडी। गाइस हमें किचन शिफ्ट करना है अपना, लेकिन कुछ ना कुछ हो जा रहा है जिससे हम अपना किचन शिफ्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन हम बहुत जल्दी अपना किचन शिफ्ट करेंगे। बट ये किचन हमारे लकी था ना, ये जो हमारा किचन है आप देख रहे हो ये हमारे लिए बहुत लकी था। और जो हमारा छोटे है वो अभी बिहार जाने वाला है, तो जो भी इससे बिहार में मिलेगा, बिहार में नमस्ते कैसे कहते हैं? नमस्ते नहीं बोल, प्रणाम बोल। प्रणाम बोलते। अच्छा हाँ, बहुत सारे बिहार के लोग जो कमेंट करते हैं वो हमेशा ऐसे कहते हैं प्रणाम ऐसे। फ्रेंड्स आज यार बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, क्योंकि जो हमारी बैकबोन है ना हमारा रोहित, उसकी दो दिन से तबीयत खराब है। तो कल डॉक्टर के पास गया भी था, डॉक्टर ने बोला दवाई दी कि अगर कल तक भी ठीक नहीं हो तो आप डेंगू का टेस्ट कराना। भाई का अभी तक ठीक नहीं हुआ और मेरे को टेंशन हो रही है। चल आते हैं ब्लड टेस्ट करा के। चल भाई तू आ, आप सब प्रेयर करो ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो। होगा भाई, मैं बिल्कुल यहाँ खड़ा हूँ साथ तेरे। तू आ पहले ब्लड टेस्ट करा के आते हैं। कितना टाइम रोहित? तुम अभी हम रोहित के लिए, ठीक नहीं है। मैं रोहित के लिए लेने आया था 10 महीने के लिए नारियल पानी। ठीक है मतलब तेरा शूट खत्म हुआ? इंजेक्शन लगा है? बहुत सारा ब्लड ले लिया। इंजेक्शन नहीं लगा भाई, जब ब्लड टेस्ट होगा तो इंजेक्शन से होगा ना। आधा लीटर ब्लड टेस्ट में पेन होता है क्या? होता है, कोई बात। सुन इसको मिस कर रहे हैं, पता है इसके आज तक इंजेक्शन नहीं लगा, पता है आज तक ब्लड टेस्ट नहीं हुआ इसका, आज पहली बार हुआ लाइफ में। क्या? और मेरे हर महीने होते रहते हैं। रख दो तो इसी में रख दो। चलो अब रोहित तंदुरुस्त होगा ना, अच्छा है वैसे ही, नहीं अच्छी चीज के लिए होता है, हुआ है। सही है, ये मोटा हो जाएगा। अरे भाई ये बंद कर दे, तो बंद भी नहीं करा, गेट बंद कर दियो पीछे वाला। रोहित कुछ फायदा हुआ भाई? थोड़ा सा, मतलब नहीं है ना ज्यादा फायदा भी। भाई साहब जब से इसकी रोहित की तबीयत खराब है ना, हमने कुछ बहुत ज्यादा आज किया नहीं पूरे दिन में ना, क्योंकि पता है बहुत टेंशन हो रही है। मतलब खुद की भी तबीयत खराब होती है तो इतनी टेंशन नहीं होती यार। ये इसके माँ बाप ने ना हमें, मतलब अपनी अमानत समझ के हमें भेजा हुआ है यहाँ पे, तो उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है, वो भी अच्छी तरीके से। जैसे बोलते हैं ना कि आप अपनी गाड़ी चलाओगे तो फ्रीली चलाओगे, कोई आपको गाड़ी जिम्मेदारी पे देना अपनी के भाई ले मेरी गाड़ी ले जाए तो आप बहुत संभल के चलाओगे। तो ऐसे ही सीन है कि यार किसी का बच्चा यहाँ पर है, उसकी तबीयत खराब है, तो हमें खुद से भी ज़्यादा उसका ख्याल रखना है। इसका हमने ब्लड टेस्ट करा लिया, तो जो पहली इसकी रिपोर्ट आई ब्लड प्लेटलेट्स की, उसमें इसके प्लेट्स थोड़े से कम है 102, जबकि 1040 मिनिमम होने चाहिए। लेकिन हम कल डेंगू वाली रिपोर्ट आने का और वेट कर रहे हैं, मे भी उम्मीद करें डेंगू ना हो इसको। अगर हुआ भी तो भी भाई हम अच्छे से ख्याल रखेंगे इसका पूरा, जल्दी से इसको रिकवर करेंगे। ये मैं समझ सकता हूँ डेंगू में कैसी हालत हो जाती है। गाइस जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने बहुत सारी हील्स मंगाई थी, और आप ये देख रहे हो कैमरामैन सैंडी है, सैंडी को अच्छा ब्लॉग बनाना तो मैंने हील्स मंगाई थी जिसका एक भी साइज मेरा पैर का फिट नहीं है। ये मेरे को छोटा हो गया, ये मेरे को लूज हो गया, क्योंकि मेरा पैर, मेरे को मेरा आज तक पैर का साइज नहीं पता चला, कभी 39 होता है कभी 40 होता है, तो ये चलता रहता है। तो मुझे बनाना था बारबी का एक ट्रेंड, एक शूट करना था बारबी की वीडियो का, बट ये हील्स में सब वापस कर दूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा साइज नहीं है। मैंने ये दो बैग्स ही मंगाए थे बारबी वाले, बट अब मैं इनका क्या कर सकती हूँ, मैं तो इनको अपने पास ही रखूंगी, वापस नहीं करूंगी, लेकिन इनका मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं तो रोहित की जैसे तबीयत खराब है, कितना बुरा लग रहा है। बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, एक तो हमारे घर में काम भी बहुत चल रहा है ना, इसलिए भी हो सकता है उसको डस्ट चली गई हो अंदर, जैसे मेरी हालत। बस मैं यही प्रे कर रहा हूँ डेंगू ना हो उसको। टेस्ट तो हो गया है, भगवान से प्रे करो आप भी की डेंगू ना हो। आज इधर बहुत खाली खाली बन सा लगेगा आपको, क्योंकि हमारी बहना गई गोवा घूमने। मैं सुन रही थी फील कर सकती हूँ। कैसे? इतनी सी है वो इसलिए, इतनी सी है, हर चीज हाइट क्या होती है, तो मैं फील कर सकती हूँ अपने दिल से दिमाग से। अच्छा गाइस हम लोगों ने सोचा कि कल दीदी को एयरपोर्ट पे लेने जाएंगे। वो कल नहीं आ रही है, परसों। अच्छा परसों उसको लेने जाएंगे हम एयरपोर्ट पे, और एक बोर्ड बना के ले जाएंगे। सरप्राइज देंगे उनको, पता नहीं है हम जाएंगे। हाँ आप देखना उसका वेलकम कैसे करूँ, उस बोर्ड पे क्या लिखूंगा मैं, आप देखना। पापा नमस्ते। नमस्ते, किस बात कर रही हो? विक्की से। विक्की? विक्की। अच्छा मॉम नमस्ते बेटू। यस
यस हेलो इसको याद आ गया, इसको कुछ वो चाहिए होगी लालची को। शीरो प्यारा बेटा है, शीरो को हमें देखते गुची याद आ जाता है तुरंत, खुशबू लेता है। वेट हूँ तुझे क्या चाहिए? आओ जल्दी आओ। तुझे क्या चाहिए? दे दे भाई इसका वो दे दे। हाँ अब इसके लिए तेरा आना सफल हो गया। बाबू का जो भी घर में आता है सबसे पहले इधर ही लेके आता है। एक दो मैंने अपने रूम में छुपा के रख रखी है, वरना यहाँ रख दूंगा तो सब लोग दे ही देंगे यार, छुपा के रखनी पड़ती भाई। दे 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 दे, इन दोनों को अलग अलग देनी पड़ती है वरना झगड़ा हो जाता है। ऑस्कर शीरो का लड़ाकू नहीं तू? नहीं ऑस्कर लड़ाकू है यार। मम्मू यार रोहित को तो डेंगू हो गया। हाँ मतलब हुआ नहीं हुआ ये तो कंफर्म नहीं है। हो गया है, हो गया है। रिपोर्ट रिपोर्ट कल तक आएगी लेकिन ना उसके। अरे यार रुक जा भाई, एक से ले लिया भाई, हम दोनों एक ही हैं, एक ही हैं। अरे उसको ऊपर आना है, आ जा। ऊपर नहीं आना, नहीं तू ले अभी ऊपर आकर फिर मेरी उंगली पकड़ेगा, देख लियो तू। मैं उसका बुखार तो जाए नहीं ना 3 दिन से, तो फिर आज डॉक्टर को दिखाया, कल दिखवाया था डॉक्टर ने, बोला कि अगर ठीक हो जाए कल तक तो ठीक है, वरना डेंगू का टेस्ट करा लेना। अब टेस्ट आज करा, रिपोर्ट कल आएगी उसकी। हाँ तो ऐसी आएगी। हाँ लेकिन लक्षण सारे वही हैं उसका, ठीक नहीं हो रहा है। क्या टेस्ट करा दिया ना आज? अब रिपोर्ट तो कल तक आएगी। मैंने नारियल पानी लिया है 10 उसके लिए, वो उसको पिलाएंगे। और क्या होता है हमें, एक तो वो होता है गिलोय, गिलोय का रस, गिलोय का। और बकरी का दूध कैसे देना होता है बताओ? बकरी का दूध तो ऐसे पी लेते हैं कच्चा या उबाल उबाल के? हाँ उबाल के पी लो, कच्चा पी लो, कैसे पी लो, हमने तरीके दोनों तरह से पिला दिया। अच्छा और एक और चीज पुनीत बता रहा था, कौन से पत्ते बता रहा था वो? गिलोय के। नहीं नहीं ये तो किस चीज के पत्ते बता रहा था वो? मुझे क्या पता, नीम के या कुछ, एक कुछ पत्ते भी होते हैं, वो पत्ते कैसे देने हैं? पत्ते मुझे क्या पता, पत्ते कौन से, ये तो पत्ते का नाम बता रहा हूँ। अरे रुक जा भाई, मम्मी इतना लालची, अब देख लो यार, बैठ इधर, इसमें डर निकल गया, मैं बता रहा हूँ, डर निकल गया इसमें से। नहीं रखी है ना, बैठ इधर, चल बैठ इधर। हाँ पुनीत भाई कौन से पत्ते बता रहा था तू उसके लिए, रोहित के लिए? मम्मी पपीते के पत्ते। अच्छा हाँ वो क्या, हाँ कच्चे उबाल के, उबाल के पानी, उबाल के पानी में, दूध में, पानी में, ये तो बकरी के दूध में देने वाला है, बकरी के दूध में। हाँ भाई सुन, उबाल के पानी में देने उसको, उबाल के बकरी का दूध तो ऐसे पी ले, ठीक है? बकरी का दूध भी ऐसे पी लेते हैं। प्लेट कम हो गई है, हाँ प्लेट कम हो गया, 102 पे तो आज पहुंच गया, फिर अभी तो शुरुआत के दिन है, 140 लोएस्ट होती है। हाँ कीवी लाएंगे कल यार उसके लिए। सुनिए दो घर पे बना बहुत बोरिंग खाना, चल ले मेरे साथ डिनर करने, तूने खा लिया? चल यार प्लीज, मेरा मन है पास्ता खाने का, एक्चुअली हमने यूरोप में इतना पास्ता खाया, लोगों ने मुझे बोला है कि मैं अभी थोड़ा स्पाइसी स्पाइसी तेल वैसा बनाऊँ जैसे तू बनवाना वैसा बनवा दो। नहीं मुझे तो भूख नहीं, मैं सूप पी, मेरा मन करता है कई बार ना रात में पास्ता खाने का, यहाँ पे अच्छा बनता है हमारी सोसाइटी में। सो थैंक गॉड नीतू मान गई और मेरे कहने पर आई। ये क्या फाइट देख रही थी फेसबुक पर? फेसबुक पर गाइस अगर आपने भी नोटिस किया होगा तो आप भी अगर स्क्रॉल करते हो तो आपको कुछ ना कोई ना कोई वीडियो दिख जाती है जिसमें फाइटिंग होती है या फिर एक्शन मूवी होती है, तो मुझे वो देखना पसंद है, हर टाइम वही देखती हूँ फ्री टाइम। अच्छा दीदी ने, सोनी दीदी ने मुझे बताई है वेब सीरीज, क्या नाम था, मेड इन हेवन, और कहती है तुमने वो नहीं देखी, वो नहीं देखी, कहती तुम दोनों के पास टाइम निकालो और वो देखो, बहुत अच्छी है, उसका पार्ट टू आने, सीजन टू आने वाला, अगर आपने देखी कॉमेंट्स में बताना वो कैसी है, आपके सजेशन से ही मैं देखूंगी। दीदी तो कुछ भी बोलती है। हमारा पास्ता हाजिर है गाइस, मैंने लिया है टमाटो सूप और 200 रुपये किलो के टमाटर हैं, तो ऐसा लग रहा है इन्होंने टमाटर बहुत कम डाले हैं क्योंकि बहुत महंगे हैं ना। इन्ना प्यार प्यार तेरे शक्का विच आवे मैनू, रुक जा इधर आ, क्या हो गया इसने कुछ कर दिया? हाँ आज का कंटेंट मैं आपको बताती हूँ कि आज का ये व्लॉग क्या था, हमारे घर में खुशी आने वाली है, सबको बता दे। हैं सुधीर, सुधीर पापा बनने वाला है ये बॉय है सुधीर, अरे हाँ ना तो कर दे, हमारे घर में गाइस खुशी आने वाली है, ना बालक आने वाला है। अच्छा अच्छा जी सुधीर, सब सुधीर को खुशी दे दो, खुशी दे दो, अबे क्या बोल रहा है, बिलियन बोल, आशीर्वाद दे दो, बहुत सी ब्लेसिंग्स दे दो ताकि बच्चा जो हो बहुत हेल्दी हो और बहुत सेफ हो और माँ बच्चे दोनों ठीक रहे। तो सुक्का मानक का कितने महीने बाद, चलो ये शर्मा रहा है, अभी आई थिंक 5 महीने हैं, 5 महीने होंगे तेरी शादी को, हो गए 5 महीने आज हमारी शादी को 5 महीने हुए, इसकी शादी को आई थिंक 2 महीने, 2 महीने तो होंगे अभी, तो जब वो कह रहा 5 महीने में तो हो गए, नहीं नहीं 5 महीने वो तो कुछ कह रहे थे, मैं ही बोल रही हूँ 2 महीने हुए ना अभी, तो अभी गाइस है 6 महीने है, 6 महीने, चल ठीक है भाई, कांग्रेचुलेशंस, भगवान करे बहुत खुशियां लेके आए तेरा नया बालक घर में। कुछ क्या बोलेगा, कुछ बोले ऐसा हमारे, ठीक है भाई जा। अभी तेरे को पता लगा, जैसे कि मैं पैसे भिजवाती हूँ चांदनी को, तो इसने मुझे बता दिया था दीदी इस बारी थोड़ा ज्यादा भिजवा देना, वो घर में खुशियां आने वाली है, हमारे घर में, वो अरमान भैया का गाना है ना,
हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है वैसा। तो ये बहुत मतलब खुश भी था और उसको थोड़ी टेंशन भी थी। नहीं टेंशन क्यों लेनी यार, बोले ना सबके साथ। हाँ तो गाइस आप अपनी ब्लेसिंग्स देना सुधीर को ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मम्मी भी अच्छी रहे। चांदनी आने वाली है यहाँ पे। अच्छा दिल्ली में रहेंगे फिर ये लोग ना, मतलब चांदनी और उसकी मम्मी। चल बढ़िया है भाई। तो आज रात हम लोग इधर ही स्टे करने वाले हैं बिकॉज आपको पता है रोहित की तबीयत बहुत खराब है और क्या है ना कई बार रात में क्या होता है कि बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है ना, तो उस टाइम अगर हम यहाँ पर नहीं हुए तो उसको डॉक्टर ही कौन ले जाएगा, तो इसलिए हम यहीं पर स्टे कर रहे हैं आज। और मैं प्रे कर रहा हूँ कि बस ऐसा कुछ हो ना, मतलब ठीक ठाक हो यार सुबह तक, और मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक हो जाए सुबह तक, दवाई काम कर जाए अपना।